जबलपुर उपनगरीय क्षेत्र रांझी स्थित युवा कांग्रेसियों व एनएसयूआई के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कैंट में लगातार बढ़ते अपराध हत्या जैसे संगीन मामलों को लेकर कैंट भाजपा विधायक अशोक रोहाणी के कार्यालय का घेराव करा, जहां सैकड़ों की तादाद में युवा कांग्रेसी व एनएसयूआई कार्यकर्ता दर्शन सिंह तिराहे से बापू नगर स्थित विधायक कार्यालय घेराव करने के लिए कूच करने लगे। वहीं पहले से ही मौजूद भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंतजाम किए हुए थे। सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी करते हुए जैसे ही पदाधिकारी व कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के पास पहुंचे और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान पुलिस व कार्यकर्ताओं में झड़प होने लगी। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं पुलिस ने युवक कांग्रेस के नेता प्रतीक चोकसे सहित अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जहां युवा कांग्रेस के नेता प्रतीक चौकसे ने बताया कि विगत 15 सालों से कैंट में भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक है, उसके बाद भी कैंट क्षेत्र में आए दिन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। खुलेआम जुआ सट्टा शराब के अवैध कारोबार फल फूल रहे हैं। वहीं विधायक अशोक रोहाणी मौन बैठे हुए हैं, क्योंकि विधायक द्वारा ऐसे गुंडे मवाली को खुलेआम संरक्षण दिया जा रहा है। आज हम लोगों ने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के माध्यम से कैंट विधायक को घेराव किया है। ये गुंडों को संरक्षण देते हैं और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, इस 15 महीने की सरकार में इन्हें यही थाने का घेराव किया। 15 महीने में कांग्रेसी जुहाड़ी हो गए और 15 साल में तुम शरीफ हो गए। आज हम लोगों ने विधायक का घेराव किया है, आप गुंडों को संरक्षण देते हैं, जुआ सट्टा खिलाते हैं। अरे आपके विधानसभा में महिलाओं की आबरू लूट रही है और आप दूसरे विधानसभा में घूम रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके विधानसभा में गुंडे घूम रहे हैं और आप दूसरी विधानसभा में घूम रहे हो। इसके लिए आज हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया है और लगातार अगर ये नहीं सुधरे हम लगातार इनका विरोध करेंगे। ऐसे युवा आक्रोश दिखा है कैन कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी के युवा इकाई के सभी विधायक का कार्यालय घेरने गए, हमारे ऊपर पानी बौछार के हमें रोका गया और हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। 15 सालों में जब 15 माह की सरकार थी, कांग्रेस की यही विधायक और यही बीजेपी के लोग गली मोहल्ले जाके बोलते थे अपराध बढ़ रहा है, एसपी के पास जाते थे, परंतु आज कहाँ है। 6 माह में 12 अपराध हो चुके हैं संगीन और 6 हत्याएं, कहाँ है हमारे विधायक, मौन क्यों है। आज हम यहाँ आए थे कांग्रेस पार्टी के लोग विधायक जी का मिलने मुलाकात करने मौन उठाने, परंतु आज हमें पानी से बौछार से रोका गया और पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही। सौरभ गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष। वही 15 माह की कांग्रेस सरकार जब आई थी तो यही विधायक और उनके कार्यकर्ता बढ़ते अपराधों को लेकर थाने का घेराव कर रहे थे। वहीं प्रतीक चोकसे ने कहा कि अगर विधायक जल्द ही इन पर लगाम नहीं लगाते हैं तो आगे और उग्र आंदोलन होगा। पोस्टर न्यूज के लिए जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।